बागेश्वर सरकार को राजा भैया के गढ़ कुंडा का मिला प्यार। सब कहने लगे ये तो राजा भैया की ओर से बाबा का सम्मान है। प्रयागराज के शिविर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन कर रहे थे, तभी कुंडा के रहने वाले युवक ने कही ऐसी बात कि बाबा का दिल बाग बाग हो गया। बाबा ने हजारों की भीड़ में युवक की कही बात, आई प्राउड ऑफ यू कहकर दे दिया निमंत्रण। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उम्र 26 साल, लोग इन्हें बागेश्वर सरकार के नाम से भी जानते हैं। बागेश्वर धाम में लगने वाले दरबार के कारण सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। लेकिन भले ही कोई कितना विरोध करे, भले ही इन्हें ढोंगी या पाखंडी कहे, लेकिन असल जिंदगी में बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चाहने वालों की कमी नहीं है। इस बार भी प्रयागराज में जब बागेश्वर धाम की सरकार आए तो राजा भैया के गढ़ कुंडा का ऐसा प्यार मिला कि धीरेन्द्र शास्त्री कहने लगे आई प्राउड ऑफ यू। कुंडा से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वो संदेश मिला, लगा ऐसा और कोई नहीं, कुंडा के राजा भैया बोल रहे हैं। ऐसा लगा कि राजा भैया कह रहे हूँ, भले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के तेवर आप पर तल्ख हूँ, भले अखिलेश के स्वामी प्रसाद मौर्य आपको ढोंगी पाखंडी और घमंडी करार दे रहे हूँ, लेकिन आप तो हमारे खास हैं, आप जैसा कोई नहीं। आप पर प्रतापगढ़ को फेथ है, कुंडा को विश्वास है, जिसने आपके खिलाफ जो भी कहा हम सबके खिलाफ है, आपके साथ हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसने बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सम्मान में अपने दिल को निकाल कर दिखाया वो रहने वाला कुंडा का ही है। अब कुंडा का है तो जिसने भी उसकी बात सुनी उससे यही लगा, अरे ये तो कुंडा के राजा भैया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कह रहे हैं। पूरा क्या है माजरा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बस 2 मिनट में जानिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1 फरवरी को प्रयागराज में माघ मेला आए। यहाँ आकर सबसे पहले उन्होंने कई साधु संतों से मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, फिर यहाँ से वो सीधा सतुआ बाबा से मिलने पहुंचे। इसके बाद श्री राघव आचार्य महाराज जी के शिविर में धीरेन्द्र शास्त्री ने पहुंचकर मंच से कई बातें बोली। इस दौरान एक भक्त जो कुंडा का रहने वाला है और प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रहा है, कुंडा के रहने वाले शख्स ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को आई लव यू बोला। धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब में कहा कि आई प्राउड ऑफ यू। तो हम कोई राजनेता नहीं है कि फोटो के चक्कर में मोबाइल के चक्कर में बोल रहे हो। अब तुम अगर फोटो के चक्कर में बोल रहे हो तो ठटरी बड़ा कट जाओ हना के। अरे मेरे पागल धीरेन्द्र शास्त्री ने युवक से ये भी कहा कि ऐसे जोश बनाए रखें, बात यहीं तक रहती तो आई गई वाली होती, लेकिन बात इससे आगे बढ़ी तो कहने वाले कह रहे हैं बाबा अपने फैंस को भूलते नहीं, यूं ही छोड़ते नहीं, क्योंकि बाबा हजारों की भीड़ में युवक को आई लव यू के जवाब में आई प्राउड ऑफ यू कह रहे हैं। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बात का मान रख लिया। जब वो शिविर से निकलने लगे दूसरी ओर जाने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जाते समय अपनी गाड़ी का शीशा खोलकर उस युवक को एक रुमाल दिया जिसमें 2 फूल थे और उसे बागेश्वर धाम में आने के लिए कहा। धीरेन्द्र शास्त्री की बात सुन युवक ने कहा कि कैसे आऊंगा, कोई मुझे घुसने नहीं देगा। बागेश्वर सरकार ने कहा बालाजी सरकार मिलवा देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री से रुमाल पाने के बाद युवक काफी खुश था और उसने कहा कि महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बोल रहे हैं, मैं उनके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बागेश्वर धाम में कुंडा का ये युवक जाता है तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनसे मिलते हैं या नहीं।